और साल के एंड में मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा, दो और इंसिडेंट्स हुए हैं, एक सिद्रा का जिसमें कि चार घुसपैठ और उनका ट्रक को इंटरसेप्ट करके उनको न्यूट्रलाइज किया गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेंधर पूंछ के इलाके में भी एंटी टेरर एंट्री इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में हमने और दो टेररिस्ट को मार गिराया है। तो हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड उसी तरह से सक्रिय रहेगा और इस तरह से जो प्रेशर है उसमें मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाऊंगा कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी और निरंतर हमारे ऑपरेशंस जवान पूरे मुस्तैदी के साथ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम या फेंस पर और हिंटरलैंड में दोनों हम जारी रखेंगे। पिछले साल 2022 में इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स या फिगर्स में काफी मात्रा में कटौती हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 12 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए थे जिसमें से कि 18 घुसपैठियों को सेना ने गिराया था। क्योंकि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा वैली इलाके में मजबूत और कारगर रहा है, हमने ये देखा है कि एडवर्सरी की तरफ से ये कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास या उनका ध्यान या फोकस अब पीर पंजाल के साउथ वाले इलाके में, खास करके जम्मू इलाके या उससे नीचे भी पंजाब या आईबी के इलाके में ज़्यादा उनका ध्यान है। कई ऐसे केसेस या इंस्टांसेस हमने देखे हैं जिसमें कि उन्होंने ड्रोन के जरिए वेपन्स, एमुनिशन या फिर एक्सप्लोजिव को भी ड्रॉप करने की कोशिश की है। पर इसमें भी सेना और क्योंकि आईबी इलाके में ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है, दोनों ने मिलकर कई इस तरह के की कोशिशों को भी नाकाम किया है। और इस संदर्भ में खासकर हमने ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स कुछ मात्रा में शुरू में प्रोक्योर किए हैं और उसकी जो एफिकेसी या इफेक्टिवनेस है वो जो हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आए हैं वो अच्छी पाई गई है। जहाँ तक रजौरी इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, वो कोशिश भी हमारे एडवर्सरी की तरफ से यही रही है कि टारगेटेड किलिंग्स करे, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करे, ताकि जो उनकी विफलता वैली एरिया में है, उनका विचार है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल रीजन में उसको ज़्यादा अंजाम दें। अब जो दो तीन इंसिडेंट्स आपने बताए हैं उसके फलस्वरूप सेना और सीआरपीएफ दोनों ने उन इलाकों में अपनी तैनाती अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ाई है और दोनों जो टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट हम कहते हैं उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन अभी आप लोगों को ज्ञात है वो एनआईए को सौंपा गया है ताकि उसके और कारण हम पता कर सकें।